नमस्कार, मैं हूं मुकेश वत्स और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वत्स वाच। मंगल अस्त हो चुके हैं और अगले 3.5 महीनों तक मंगल अस्त रहने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खगोलीय घटना है और इसका असर हम सभी लोगों पर पड़ेगा, हमारे समाज पर पड़ेगा, हमारे देश पर पड़ेगा। क्या असर इंडिविजुअल लाइफ में होगा, पूरे विश्व में मंडेन लेवल पर इसका क्या असर पड़ेगा और इससे किस तरीके से हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, इन सभी चीजों की चर्चा मैं आज के इस वीडियो में करूंगा। इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे एक्शन के प्लैनेट, हमारे 9 ग्रहों में से जिनको सेनापति कहा जाता है, जो हमारी शक्ति के परिचायक हैं, जो हमारे करेज हैं, जो हमारा पैशन ड्राइव, इन सभी चीजों के कारक मंगल अस्त हो चुके हैं। मंगल जब सूर्य के 17 डिग्री के लगभग में आ जाते हैं तो उनको अस्त माना जाता है। अलग अलग प्लैनेट्स के लिए ये डिग्री अलग अलग है, मंगल के लिए 17 डिग्रीज है और ऐसा अगले 3.5 महीने तक रहेगा, 29 नवंबर तक रहेगा। मंगल का अस्त होने का मतलब है कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को अपने शरीर में, अपने काम करने की शक्ति में एक न्यूनता का अनुभव होगा। मंगल हमारी सिक्योरिटी है, मंगल हमारी आर्मी है, हमारा पुलिस, इन सभी चीजों को मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम से भी जोड़कर देखा जाता है क्योंकि यह ब्लड का कारक है और ब्लड क्या है, ब्लड से ही हमारा पूरा शरीर का संचालन होता है। हमारी इम्यूनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारा ब्लड है। मंगल रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल हमारे भाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी चीजों में आप लोगों को अभी न्यूनता दिखेगी। इंडिविजुअल लेवल पर मंगल जब भी कमजोर पड़ता है तो क्या होता है, और उससे पहले थोड़ा सा यह भी समझ लें कि अस्त का मतलब क्या होता है। जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के करीब आ जाता है तो उसको अस्त माना जाता है, इंग्लिश में उसको कंबस्ट कहते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली और एस्ट्रोनॉमिकली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। कोई भी प्लैनेट जब सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा रोशनी वाले प्लैनेट के पास आएगा तो उसके खुद की रोशनी पृथ्वी से दिखना कम पड़ जाएगी, उसकी रश्मि सूर्य के रश्मि के सामने गौन हो जाएगा। और जब उसका रेज, जब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पृथ्वी तक पहुंचेगा ही नहीं या पृथ्वी से दिखेगा ही नहीं तो उस ग्रह के कारकत्व में जितने भी चीज आते हैं उनमें न्यूनता आएगी। एस्ट्रोनॉमिकली इसको समझिएगा तो और आसानी होगी। मंगल जब पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं तो उनकी दूरी 44 मिलियन माइल्स होती है, लेकिन मंगल जब अस्त होते हैं, जब सूर्य के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, उस समय में मंगल की दूरी पृथ्वी से 240 मिलियन माइल्स की हो जाती है। अब कोई छोटा सा बच्चा भी इस चीज को समझ सकता है कि एक प्लैनेट जब 44 मिलियन माइल्स की दूरी पर होगा तो उसका असर कितना होगा, और वही प्लैनेट जब 240 मिलियन माइल्स दूर चला जाएगा तब उसका असर कितना होगा। तो जब भी मार्स कंबस्ट होते हैं तो उनकी दूरी पृथ्वी से करीब करीब 200 मिलियन माइल्स अधिक हो जाती है। तो ये बट ऑब्वियस है कि इस समय में मंगल से रिलेटेड जितने भी चीज हैं उन सभी चीजों में कमी आएगी। जब आपके शरीर में शक्ति की कमी होती है तो क्या होता है, आपको पेन होता है, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं,
जब आपकी शक्ति कम जाती है, जब काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जब रिजल्ट्स आपको कम मिलने लगते हैं, तो क्या होता है? यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, एक झल्लाहट, एक खीज आने लगती है, आप आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, आप अत्यधिक बहस करने लगते हैं, और विन एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर जीत, आप इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि आपका मेंटालिटी इस पोजीशन तक पहुंच जाता है, इतना नेगेटिव हो जाता है। सो कहीं ना कहीं ऐसे फीलिंग्स हम सभी लोगों में आने वाला है अगले 3-3.5 महीनों में। 8 सितंबर के बाद सूर्य और मंगल की दूरी सिर्फ 10 डिग्री की रह जाएगी और धीरे धीरे सूर्य मंगल के और करीब आते चले जाएंगे। 30 सितंबर के बाद मंगल और सूर्य लगभग एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और 8 अक्टूबर से जैसे ही सूर्य मंगल से आगे निकलना शुरू करेंगे, लगभग 10 नवंबर तक सूर्य की दूरी मंगल से सिर्फ 10 डिग्री की रह जाएगी। तो 10 नवंबर के बाद से फिर धीरे धीरे इसमें राहत मिलना शुरू होगा और 29 नवंबर को एक स्थिति आएगी जब मंगल और सूर्य की दूरी फिर से 17 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी और मंगल फिर से इस अस्तता से बाहर आ जाएगी। तो इस समय में हम सभी लोगों को विशेष सतर्कता रखनी होगी। देखिए, अच्छी बात यह है कि मंगल अस्त हो रहे हैं सिंह राशि में, सिंह राशि में सूर्य मजबूत होते हैं, तो इस समय मंगल की अस्तता ज्यादा नहीं खलेगी। सेनापति भले ही वीक हो जाएंगे लेकिन राजा स्ट्रांग रहेंगे। जब कन्या में पहुंचेंगे मंगल और सूर्य, उस समय तक भी स्थिति ठीक ठाक ही रहेगी। सेनापति भले ही कमजोर रहेंगे लेकिन राजा मजबूत रहेंगे, राजा डिसीशन लेगा। और मैंने ये देखा है कि जब भी कोई प्लैनेट अस्त होता है तो उस प्लैनेट का रिजल्ट सूर्य देना शुरू करता है। तो मंगल जब अस्त रहेंगे तो सूर्य उनका जो रोल है वो कुछ ना कुछ अदा करेंगे, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन एक स्थिति आएगी 15 अक्टूबर के बाद, जब सूर्य यानी कि राजा कहां पहुंच जाएंगे, वो तुला में पहुंच जाएंगे जहां वो नीच के हो जाते हैं। तो एक स्थिति ऐसी बनेगी जब राजा भी बिल्कुल कमजोर रहेगा और सेनापति में भी कोई शक्ति नहीं रहेगी। तो वो समय जो होगा 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का समय, ये समय हम सभी लोगों को विशेष सतर्कता रखने का समय होगा। क्या क्या हो सकता है इस समय? देखिए, जब सेनापति कमजोर पड़ जाए, जब सेना ही हार मान जाए, तो क्या होता है, लोगों की सिक्योरिटी पर आंच आती है। और यह चीज आपने देखा होगा अफगानिस्तान में क्या हुआ, जिस पर सिक्योरिटी का भरोसा था अमेरिकन फौज, वो सडनली रातों रात बिना किसी को बताए हुए वहां से भाग चली और उसके बाद फिर अफगानिस्तान की सेना, जो एक तरीके से समझिए तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था, वो लोग भी भाग खड़े हुए और उसके बाद अफगानिस्तान की जनता का क्या हुआ। और ये लगभग उसी समय में हुआ है। आप डेट्स यदि देखिएगा, 17 अगस्त को मंगल अस्त हुए हैं और 17 अगस्त के लगभग ही ये सारी घटनाएं हुई हैं और उसके बाद से ये धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। क्या क्या प्रिडिक्शंस होंगे इस टाइम में? आप लोगों को याद होगा 31 मई को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन आने वाले समय में या तो बीमार पड़ जाएंगे या बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे, उनकी बहुत ज्यादा भर्त्सना होगी, उनके विरोधी बहुत ज्यादा मुखर होंगे, अमेरिका के विरुद्ध षड्यंत्र बढ़ेंगे, ये सब चीज मैंने कहा था। मैं उस वीडियो का अंश इसमें डाल देता हूं। और खास करके ये सूर्य ग्रहण जब लगेगा 10 जून के बाद, उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको आ सकता है और उनके देश के ऊपर भी कुछ समस्याएं आ सकती है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी।
पब्लिक ओपिनियन में भी उनकी गिरावट आ सकती है। उन्हीं के देश के आंतरिक दुश्मन उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। विश्व के कई सारे देश अमेरिका के खिलाफ लामबंदी कर सकते हैं, जिसके वजह से जो बाइडन को परेशानी आ सकती है। आपने देखा फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, और आप यह सुनकर आपका विश्वास एस्ट्रोलॉजी पर और बढ़ जाएगा कि इधर पिछले एक सप्ताह में जो बाइडन की रेटिंग 61 से घटकर 45 पे आ गई एक सप्ताह में, और इतना ड्रामेटिक गिरावट किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए हाल फिलहाल में कभी नहीं हुआ है। आप देखिए इस समय में अमेरिका और खास करके जो बाइडन का मजाक सभी लोग उड़ा रहे हैं। तालिबान वाले भी मजाक उड़ा रहे हैं, रशिया वाले उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लोग अमेरिका के विषय में कुछ भी कह रहे हैं, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सभी लोग कहीं ना कहीं अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं, अमेरिकी सैनिक को हरा हुआ सैनिक बता रहे हैं। और एक सुपर पावर की ये स्थिति, अमेरिका की ये स्थिति, मुझे नहीं लगता वियतनाम युद्ध के बाद भी ऐसा हुआ होगा। सो आगे आप देखिएगा जो बाइडन के लिए समय और भी कठिन होगा, और जो बाइडन पर मैं एक और अलग से वीडियो बना रहा हूं, वो वीडियो मैं दूंगा, उसमें मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी के लिए प्रिडिक्शन ये है कि जो बाइडन की परिस्थिति और खराब होने वाली है। मंगल जब अस्त के रहेंगे इस पीरियड में, आप देखिएगा कोई ना कोई ऐसा कंट्री जिसको रॉग नेशन माना जाता है वो मिसाइल टेस्ट करेगा। इसमें ईरान हो सकता है, नॉर्थ कोरिया हो सकता है, हो सकता है कोई और भी देश हो, मिसाइल टेस्टिंग की घटनाएं बढ़ेंगी। इस समय में आप देखिएगा सैटेलाइट लॉन्चेस होंगे, और ऐसा भी खबर आ सकता है कि कोई सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया। इस समय में आप देखेंगे एयर ट्रैफिक बाधित हो सकता है कंप्यूटर या सिस्टम या ट्रांसमिशन फेलियर के वजह से, और यह कहीं भी हो सकता है। इस समय में आप देखिएगा औरतें और फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और ज्यादा मुखर होंगी। इस समय में आप देखिएगा इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, इनको बंद करने के लिए इंटरनेट पर कई जगहों पर हो सकता है बैन लगने की घटनाएं आपको सुनने को मिले। इस समय में सेलिब्रिटीज के लिए थोड़ा सा कठिन रहने वाला है, खास करके जो लोग भी एक्शन हीरोज हैं या एक्शन से संबंधित लोग, या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कोई बड़े ऑफिसर, ऐसे लोगों की पब्लिक रेटिंग्स कमेगी। किसी बड़े सेलिब्रिटी का डाइवोर्स, सेपरेशन की खबरें आप सुन सकते हैं। मंगल जब भी नीच होता है, जब भी अथॉरिटी कमजोर पड़ता है, तो कैसे लोग मुखर होते हैं, वैसे लोग मुखर होते हैं जो अथॉरिटीज के विरोधी लोग हैं। इस समय में आप देखिएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा न्यूज में रहेंगे, और मैं ऐसा मानता हूं, एक परसेप्शन है कि टेररिस्ट लोगों का मंगल बड़ा अच्छा रहता होगा और स्ट्रांग रहता होगा। मुझे लगता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और इनके लीडर्स, इन लोगों का मंगल जरूर अस्त रहता होगा या कमजोर रहता होगा या बहुत ज्यादा हैवीली अफ्लिक्टेड रहता होगा, क्योंकि ये लोग बहादुरी नहीं करते, ये लोग बर्बरता करते हैं, छुपकर वार करते हैं, ग्रुप बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मंगल कोई ग्रुप प्लैनेट नहीं है, मंगल एक गो गेटर है, और इस मामले में मंगल कहीं ना कहीं अकेला चलो रे के सिद्धांत पर चलता है। वह चीजों की जिम्मेवारी अपने हाथ में लेकर एक्शन लेने में विश्वास रखता है। वह कभी भी शेर की तरह अकेला चलता है, गीदड़ों की तरह झुंड में वार कभी नहीं करता। और मुझे लगता है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो महिलाओं पर, बच्चों पर,
या पूरे पॉपुलेशन पर जो ग्रुप में आकर और हथियारों के बल पर जो उन पर कब्जा जमाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, ये कोई बहादुर लोग नहीं बल्कि ये कमजोर मंगल वाले लोग हैं। इन लोगों का मंगल कभी मजबूत नहीं हो सकता। मंगल जब वीक होंगे तो आप देखिएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो न्यूज में रहेंगे ही, इंडिविजुअल शूटिंग्स की घटनाओं के विषय में भी आपको बहुत सुनने को मिलेगा। इस समय में लोग सरकार के किसी कानून, किसी भी ड्रैकोनियन लॉ के विरुद्ध, गवर्नमेंट के विरुद्ध लोग खड़े होंगे, सेंट्रल अथॉरिटीज के विरुद्ध रीजनल पावर्स खड़े होंगे। अब जैसे देश का यदि माने तो हो सकता है बंगाल कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को आंख दिखाने का काम करेगा। इसी तरीके से बहुत सारे देश जो भी सुपर पावर्स हैं या यूएनओ है, इन लोगों को आंख दिखाने का काम करेंगे। सुसाइड बॉम्बिंग और कार बॉम्बिंग जैसे समाचार आपको कई सुनने को मिल सकते हैं। ब्रिज गिरने की घटनाओं के बारे में आप सुन सकते हैं। हवाई और समुद्री दुर्घटनाओं के विषय में आपको सुनने को मिलेगा और इनमें से अधिकतर घटनाओं के जड़ में होगा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का फेलियर। इस समय में आप कोई बहुत बड़ा सेल, कोई बहुत बड़ा कंपनी का डील्स, कोई भी बड़ा कंपनी बिक गया या उनमें कोई मेजॉरिटी स्टेक किसी ने ले लिया, ऐसे खबर आप सुनेंगे। इस समय में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस समय में हम सभी लोगों को थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना चाहिए। मंगल जब कमजोर है तो हम सभी लोगों को, या खास करके जिनके लिए भी मंगल अच्छे नहीं है, कार्तिकेय की उपासना करनी चाहिए। कार्तिकेय गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं, पंचमुखी हनुमान की उपासना आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। भगवान गणेश की उपासना भी मंगल के लिए अच्छा रहता है। इस समय में छोटे भाई बहनों के साथ अपना संबंध बनाकर रखें। इस समय में जो भी कमजोर लोग हैं उनकी स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस समय में लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ कहीं ना कहीं अपने आप को पाएंगे। तो आप यदि मजबूत हैं, आप शक्तिवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो गरीब कमजोर तबके पर ध्यान दीजिए। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में, और अगले 3-3.5 महीने तक इन चीजों पर ध्यान रखिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।